नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद आपको आर्ट्स क्यों लेना चाहिए और आर्ट्स लेने के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 10th के बाद आर्ट्स लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आर्ट्स में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, ये मेन सब्जेक्ट है आर्ट्स के। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है जो आर्ट्स में शामिल किए जाते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सारे सब्जेक्ट आपको आर्ट्स में पढ़ने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि 10वीं के बाद हमें आर्ट्स क्यों लेना चाहिए और आर्ट्स लेने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुल मिला के 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसमें क्यों लेना चाहिए और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन दोनों टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तो अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं, जो है समय। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने स्टडी को रोज़ाना 10 घंटे 12 घंटे उससे ऊपर दे सकते हो तो आप साइंस या कॉमर्स भी ले सकते हो। लेकिन आप अगर अपने स्टडी को केवल 2 या 3 घंटे दे रहे हो तो मैं कहूँगा आपको आर्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 घंटे आप अगर आप रेगुलर देते हो अपने सब्जेक्ट को तो आर्ट्स लेकर आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, 90-95 या उससे भी ऊपर मार्क्स ला सकते हो। लेकिन आप कॉमर्स लेते हो और साइंस लेते हो और उसके बाद आप 2 या 3 घंटे रोजाना स्टडी कर रहे हो तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं 60-65% पे ही सिमट जाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा 70 ले आओगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्टडी को 2 या 3 घंटे देते हो तो आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए। सो गाइस, अब हम अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो, किसी भी गेम में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स लेकर आप अपने स्पोर्ट को भी और अपने स्टडी को भी दोनों को मैनेज कर सकते हो, दोनों में आप अच्छा कर सकते हो। गाइस, अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर कॉमर्स या साइंस लेते हो तो यार आपको उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स या साइंस को आप बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स को आप सेल्फ स्टडी के मदद से भी कर सकते हो और इसमें एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, 90-95 आप आराम से स्कोर कर सकते हो और ड्यू के किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन भी ले सकते हो। तो गाइस, आर्थिक स्थिति भी एक ऐसा कारण है जिससे कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम अपने चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर आप कोई भी अधिकारी बनना चाहते हो, जैसे कि IAS IPS अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आपको पता होगा कि आपको IAS IPS बनने के लिए आपको UPSC का पेपर क्रैक करना होता है और UPSC का जो अधिकतर जो सिलेबस है वो आर्ट्स के जो विषय है उसी से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से ही शुरू से अध्ययन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो की हम आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। आखिरी और जो पांचवा पॉइंट है वो है मीडियम। दोस्तों, अगर आप शुरू से ही हिंदी मीडियम से स्टडी करते हुए आ रहे हो, अब 10वीं के बाद आप कॉमर्स या साइंस लेने की सोच रहे हो, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि CBSE बोर्ड में क्या है कि अधिकतर कॉमर्स और साइंस के जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है अगर वो कॉमर्स या साइंस लेते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप हिंदी मीडियम में ही अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टेट बोर्ड की बात अलग है। स्टेट बोर्ड जैसे कि हम बिहार बोर्ड की बात कर सकते हैं, हम UP बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि कॉमर्स और साइंस के जो सब्जेक्ट है उसको हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन CBSE बोर्ड में ऐसा नहीं है। CBSE बोर्ड में साइंस और कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप 10वीं से 11वीं में जा रहे हो और आप आर्ट्स लेने वाले हो तो भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी।